सर जमीन हिंदुस्तान, अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर आरिफ कुरैशी और आप देख रहे हैं जी आरिफ जी यूट्यूब चैनल। तो चलिए दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि पुरानी सी पुरानी दाद, पुरानी से पुरानी खाज, पुरानी से पुरानी खुजली को किस तरीके से जड़ से मिटाया जा सके। तो दोस्तों, ये सब बताने से पहले आज मैं आपको अपनी डिग्री के दर्शन कराना चाहता हूं, जो मैंने डिग्री कर रखी है। बहुत सारे लोग सोचते होंगे कि डॉक्टर साहब तो डायलॉग मारते हैं, ये डॉक्टर हैं या एक्टर हैं। तो दोस्तों, मैं एक्टर भी हूं और डायरेक्टर भी हूं। ये देखिए हमारी डिग्री है मेरे भाइयों। आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा, यही हमारी डिग्री है। और मैं वैद्य भी हूं, मैं डॉक्टर भी हूं। मुझे आशा है कि आप लोगों ने अच्छे से देख लिया होगा। तो चलिए दोस्तों, अब मैं आपको बताने जा रहा हूं पुरानी से पुरानी दांत के बारे में, आखिर आप इसको किस तरीके से जड़ से समाप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपको किस तरीके से वो इस्तेमाल करना है, वीडियो ज्यादा लंबा नहीं लूंगा और कुछ इसमें आपको जटिल रोग, जैसे कि दोस्तों मैं आपको बता दूं कि दाद जो बहुत ज्यादा पुरानी हो जाती है तो हमें बहुत ही बड़े समस्याओं का सामना करना पड़ता है। और इस समस्या से निपटने के लिए दोस्तों, चलिए ले चलते हैं हम आपको अपने उस पौधे के पास जो दाद को खत्म करने में बहुत ही अच्छी महारत जो हासिल कर रखी है। तो चलिए दोस्तों, आप देख सकते हैं कितना बड़ा बड़ा खरजारा है, ये कितनी बड़ी बड़ी घास है, लेकिन आप लोगों की सेवा करने के लिए मुझे इससे कई भी ज्यादा मुसीबतों का सामना करना पड़े तो मैं करूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं अच्छी तरीके से कि मेरे दोस्तों यही है जो हमारे साथ जाएगा और बाकी कुछ नहीं जाएगा। लोगों की मदद, लोगों की परेशानी का हल, यही सबसे बेहतर जरिया है आदमी को अपनी गलतियों से निजात पाने का। तो ये देखिए दोस्तों, आप देखते चलें कितनी बड़ी बड़ी घास है, और उस घास के पास उस बारिश के महीने में मैं किस तरीके से आप लोगों को बताने के लिए निकल पड़ा हूं। अब मेरे भाइयों, आपको मैं यहां पर थोड़ा सा वक्त लूंगा, क्योंकि थोड़ा सा सेटिंग करना पड़ रही है, चूंकि मैं बनाता हूं लाइव, दिखाता हूं लाइव, नो एडिटिंग, नो चीटिंग, डायरेक्ट आप सभी लोगों से मीटिंग। ये है दोस्तों वो पौधा, मैं आपके उस पौधे के करीब आ चुका हूं, और आप पहचान लें, और अगर नहीं पहचान पा रहे हैं तो इस तरीके से मैं आपको तोड़ करके उसकी बेल दिखाने जा रहा हूं। ये देखिए मेरे भाइयों, ये बेल है कुंदरू की, चूंकि यहां पर सही सेटिंग बन नहीं पा रही, घास ही घास है। ये बेल है कुंदरू की मेरे भाइयों, कहीं पर कुछ बोलते होंगे, कहीं पर कुछ बोलते होंगे, ये बहुत ही आजमूदार है। एक वीडियो हमने और डाला था तो कुछ लोगों को समझ में नहीं आया, तो इसलिए लोगों ने कमेंट किया कि डॉक्टर साहब वीडियो जरा फिर से बना देना। तो ये बेल है कुंदरू की मेरे दोस्तों, ये देखिएगा। अब इसका इस्तेमाल, और इसके फूल भी मैं आपको दिखा दूं कि इसके फूल किस प्रकार से होते हैं, और मैं भी आपको इसके फल भी दिखाऊंगा। ये दोस्तों, ये है इसका फूल, सफेद सफेद फूल होता है, ये कुंदरू का फूल है और ये कुंदरू की बेल है। अब मैं आपको और अच्छे नजरिए से दिखा दूं, ताकि हमारे देखने वाले लोगों को किसी प्रकार से कोई भी डाउट ना रह जाए, कोई भी परेशानी ना रह जाए। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि मेरा काम है परेशानी को खत्म करना, और परेशान हाल लोगों की परेशानी को दूर रखना, ना कि लोगों को कंफ्यूजन करना, ना कि लोगों की कंफ्यूजन बढ़ाना। तो मेरे दोस्तों, आप देखते रहें जी आरिफ जी यूट्यूब चैनल, क्योंकि इसमें बहुत कुछ आपको जड़ी बूटियों के संबंध में जानकारियां दी जाएंगी। ये देखिए दोस्तों, ये होता है कुंदरू, आपने देखा ये कुंदरू है, और गौर से देख लीजिएगा, जहां तक साफ सुथरा
दिख सके, ये मुझे लगता है अब साफ दिख रहा है। ये दोस्तों कुंदरू की बेल है और इसमें कुंदरू के लगे हुए फल आप साफ देख सकते हैं। और इसी बेल को मैं आगे बढ़ाते हुए मैं आपको इसमें इसका फूल भी आपको दिखाई दे रहा हूं। ये दोस्तों आपकी पुरानी से पुरानी दाद, पुरानी से पुरानी खाज और पुरानी से पुरानी खुजली और शरीर में हो गए चकत्तों को बहुत ही जल्दी हमेशा हमेशा के लिए समाप्त कर देगा। और जो मैंने पहला वीडियो डाला है उसके कम से कम 2.5 से 3 लाख व्यूज आ चुके हैं। और मेरे भाइयों काफी लोगों ने यही सवाल किया कि सर एक वीडियो फिर से बनाइएगा, चूंकि कुछ लोगों को कम समझ में आया है। और लोगों ने यह भी कहा है कि महोदय ये हमने आजमाया है जिससे हमारी बहुत से पुरानी खुजली को खत्म कर दिया गया है। ये देख लीजिएगा दोस्तों, ये है कुंदरू। अब मैं इसका उपयोग बता देता हूं। जी हाँ दोस्तों, अब इसका आप उपयोग देख लीजिएगा। चूंकि पिछले वीडियो में मैं सही से उपयोग नहीं बता पाया था और मैं हैंडल स्टैंड नहीं लाया था, तो इसलिए आपको इसका उपयोग किस तरीके से करना है यह मैं आपको बता देता हूं। तो चलिए दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे ZRFZ YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे ZRFZ YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें और हमेशा देखते रहें ZRFZ YouTube चैनल, क्योंकि गरीबों की परेशानियों को हल करने के लिए एकमात्र आजमूदार बेहतर नुस्खे देने वाला एक ही चैनल मुझे लगता है ZRFZ YouTube चैनल है। वैसे तो दोस्तों बहुत सारे चैनल हैं लेकिन उनमें कुछ कठिनाइयां रहती होंगी, बनाने की विधियां अलग होती होंगी, लेकिन मैं आपको सरल तरीके से बनाने की विधि बता देता हूं। तो चलिए दोस्तों, ये आपने देख लिया और ये देख लिया कि यह कुंदरू। अब जिस किसी भाई को, जिस किसी बहन को, माताओं बहनों को ये खुजली की शिकायत है, दाद है, चकत्ते हैं, जी हाँ दोस्तों पुरानी से पुरानी खुजली है, तो उसको क्या करना है? जी हाँ दोस्तों, उन लोगों को करना क्या है ये आप समझ लीजिएगा। ये है वो, ये देखिए, देख तो लिया है और पहचान भी गए होंगे। तो ये आपको इस तरीके से इसको ये करना है, अभी मैं आपको दिखाकर बताकर बनाकर दिखाकर देता हूं। ये जो है, मान के चलिए सपोज दैट हमारे हाथ में पुराने से पुराने चकत्ते हैं, बहुत ज्यादा खुजली हो रही है, तो आपको करना क्या है उस स्थिति में, आपको मैं पूरा एग्जाम्पल इसमें बता देता हूं। चूंकि आप लोग तो हालांकि समझ ही गए होंगे, लेकिन मैं ये किया अपना, ये देखिए दोस्तों, ये देखिए इसका जो रस निकल रहा है, ये देख लीजिए, है ना। तो दोस्तों आपके स्किन वाले स्थान पर ये लगाएंगे इस तरीके से, कहीं पर भी कितनी भी पुरानी खुजली हो, कहीं पर भी कितनी भी पुरानी दाद हो, यहां तक कि मेरे दोस्तों बदन में छोटी छोटी एलर्जी के दाने, बदन में छोटे छोटे गर्मी के दाने, किसी भी प्रकार के दाने अगर शरीर में हैं, तो आप उसको इस तरीके से लगाएंगे। और मेरे भाइयों, बहुत सारे मेरे भाइयों ने कमेंट किया कि उनके लिंग पर यानी कि अजू खास पर दाने हैं तो उन्हें क्या करना चाहिए, वो क्या करें कि अजू खास को शुरुआत में आपको करना ये है, चूंकि ये आयुर्वेदिक जड़ी बूटी की दवा है, थोड़ा एक दो दिन बाद काम करना शुरू करती है। अगर आपके लिंग पर दाने हैं तो उसके लिए आपको क्या करना है, एक ऑइंटमेंट आता है, एक ट्यूब आता है जिसका नाम है क्वाड्री डर्म। जी हाँ दोस्तों, जिसका नाम है क्वाड्री ड्रम, वो ले लीजिएगा और लेने के बाद अपने उस दाने वाली जगह पर लगा लीजिएगा और उसके बाद आप देखेंगे कि दूसरे ही दिन में आपके लिंग में पड़े हुए दाने पूरी तरीके से समाप्त हो गए हैं, लेकिन वो जड़ से समाप्त नहीं हुए हैं, वो दब गए हैं। अब जड़ से समाप्त करने के लिए हमको यही उपयोग करना है। ये देखिए, इसका अर्क आप लगाएंगे तो आपको पुरानी से पुरानी दाद, पुरानी से पुरानी खाज, पुरानी से पुरानी खुजली आपको पूर्ण रूप से सही हो जाएगी मेरे भाइयों। और मैं आपको बता देना चाहता हूं और इसके उपयोग हैं कि आपको अगर हाल ही में हुआ है सफेद दाग, अगर आपको शुरुआती सफेद दाग है, तब भी आप इसका रस आप बराबर लगाएंगे तो आपके महीने डेढ़ महीने अगर पुराना सफेद दाग हो रहा है तो इससे खत्म हो जाएगा। ये बहुत ही आजमाया हुआ है नुस्खा है मेरे भाइयों, आपको एक दफा फिर मैं पहचाना दूं, ये देख लीजिएगा
ये है कुंदरू की बेल और ये कुंदरू। तो दोस्तों खाने में इसका भी इस्तेमाल करें, कुंदरू का, कुंदरू की सब्जी बनाकर खाएं, इसकी सब्जी बनाई जाती है। और मेरे भाइयों जब बहुत ही ज्यादा जटिल खुजली हो जाए तो उसके लिए आपको और भी मैं एक दवा बता देता हूं, चूंकि खून साफ करने की अति आवश्यकता होती है तो इसलिए आप लोग खून साफ करने के लिए कोई भी ले लीजिएगा। मान के चलिए आप खदरा रिष्ट ले लेते हैं, और मान के चलिए आपको खदरा रिष्ट नहीं मिलती है तो आप साफी ले सकते हैं। अगर आपको साफी नहीं मिली तो एक सिरप और मैं बता देता हूँ, अभ्यारिष्ट। जी हाँ दोस्तों, आप अभ्यारिष्ट ले लें और उसका पीने का तरीका भी मैं आपको इसी वीडियो में बता देता हूँ। चूंकि मेरे भाइयों 10-11 मिनट का वीडियो तो आपको देखना ही चाहिए, तो दोस्तों आपको क्या करना है कि उसके 4 ढक्कन अभ्यारिष्ट लेंगे। जी हाँ मेरे भाइयों, 4 ढक्कन अभ्यारिष्ट लेंगे और 4 ढक्कन उसमें पानी मिला लेंगे। और मेरे भाइयों जिस बर्तन में आपको अभ्यारिष्ट लेनी है, याद रखिएगा जिस बर्तन में आपको अभ्यारिष्ट लेनी है वो बर्तन कांच का होना चाहिए या वो बर्तन प्लास्टिक का होना चाहिए। स्टील, तांबा, पीतल, लोहा का बर्तन में अगर दवा डालेंगे तो उसका असर समाप्त हो जाएगा और आपको अभ्यारिष्ट कतई काम नहीं करेगी। और उसके बाद दोस्तों एक दवा और है, अगर हमारे पेट में कीड़े होते हैं तब इस कंडीशन में भी खुजली को ज्यादा ही परेशान करती है। जब पेट में कीड़े हैं तो उस कंडीशन में आपको लेना है एल्बिंडाजॉल, यानी कि आप जेंटल टेबलेट 1 हफ्ते में 1 ले सकते हैं, ये कोई भी साइड इफेक्ट नहीं करेगी आपको। 1 हफ्ते में 1 आपको जेंटल टेबलेट ले लेनी है, और आपको जो मैंने बताया है अभ्यारिष्ट तो उसको भी ले लेना है। और मेरे भाइयों अगर आपको खुजली पूरी तरीके से ठीक करना है तो इसका उपयोग बड़े ही धैर्य के साथ आप करिएगा और आपकी खुजली पूरी तरीके से ठीक हो जाएगी। और आगे चलते मैं एक बात और बता देना चाहता हूँ, जिस दोस्त को, जिस भाई, जिस बहन को खुजली है तो मेरे भाइयों एक चीज का और उसे परहेज करना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, वो पूछेंगे आपके वो चीज क्या है, वो बहुत ही जरूरी चीज है, अगर वो नहीं किया आपने तो आपकी ये सारी दवाइयां बेकार हो जाएंगी और आपके घर में खुजली का बहुत बड़ा माहौल पैदा हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, वो चीज भी आप सुन लीजिएगा क्योंकि खर्चारा बहुत ज्यादा है मेरे भाइयों, मेरे बराबर भी देख लीजिएगा कितना कितना खर्चा रहा है, मैं निकल कर आ रहा हूँ। तो जी हाँ दोस्तों, जिन भाई बहनों को खुजली है तो सबसे पहले वो अपना बिस्तर अलग करें। जी हाँ दोस्तों, ये रोग ऐसा रोग होता है कि अगर एक को है तो पूरे घर को हो जाता है मेरे भाइयों। सबसे पहले तो अपना बिस्तर अलग करें और जो पहनने वाले कपड़े हैं, जी हाँ दोस्तों, जो पहनने वाले कपड़े हैं उन कपड़ों को गर्म पानी से, जी हाँ मेरे भाइयों, उन कपड़ों को गर्म पानी से धोवें, उन कपड़ों को गर्म पानी से धोइएगा। और बिस्तर बिछाने वाले हैं उनको भी आप गर्म पानी से धोइएगा, और अंडरवियर को भी गर्म पानी से धोइएगा। और आप बिना, जी हाँ दोस्तों, बिना कार्बेट का साबुन, जैसे कि आपको टेटमोसॉल, पियर्स, टेटोल, ऐसे साबुन का आपको उपयोग करना है नहाने के लिए। और मैं तो कहूंगा कि आपको साबुन का प्रयोग ही नहीं करना है, आपको प्रयोग करना है मेरे दोस्तों मुल्तानी मट्टी का। जी हाँ दोस्तों, मुल्तानी मट्टी आपकी किसी भी दुकान पर मिल जाएगी। मुल्तानी मिट्टी से आपको स्नान करना है और मुल्तानी मिट्टी से आपको सर धोना है। तो देख लीजिएगा कि आप अगर इतना योग कर लेंगे तो आपकी 20 साल पुरानी खुजली जड़ से खत्म हो जाएगी और दोबारा खुजली होने का नाम ही नहीं रहेगा। तो चलते चलते एक बात और मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे भाइयों, आप बड़े गौर से इसको पहचान लीजिएगा। और ये मैं कहना चाहूंगा कि किस शहर में, किस गांव में, किस प्रदेश में इस कुंदरू को क्या क्या भाषाओं में बोला जाता है, एक दफा कमेंट करके जरूर बताइएगा। और मेरे भाइयों आप परवल की सब्जी खाइएगा, चूंकि परवल भी रक्त शोधक होता है। और जब आपको मैंने बताई हुई सिरप में से कोई भी ना मिले तो आपको एक सिरप और मैं बता देता हूं, ताकि हमारे दोस्त और हमारे देखने वाले व्यूअर्स को ये परेशानी ना हो कि डॉक्टर साहब ये कोई भी सिरप नहीं मिली है। तो मैं एक सिरप और बता देता हूं, खून साफ करने के लिए एक सिरप और आती है जिसका नाम है रक्त शोधका रिष्ट। जी हाँ दोस्तों, रक्त शोधका रिष्ट। और मैं आपको परहेज के बारे में भी बता रहा हूं, आपको परहेज क्या करना है, आप तली हुई चीज, मीट, मछली, चिकन, मटन कुछ नहीं खाएंगे।
कम से कम तेल का उपयोग करेंगे, खटाई बिल्कुल नहीं खाएंगे, गुड़ बिल्कुल नहीं खाएंगे, इन बहुत सारी चीजों का जैसे बादी चीजें हैं बिल्कुल नहीं खाएंगे, इन चीजों का आप परहेज करिएगा। और मेरे भाइयों, इस कुंदरू की पत्ती के रस को आप लगाइएगा तो खुजली जैसी परेशानी आपको यूं दूर हो जाएगी जैसे हम पैरासीटामोल खा करके बुखार को दूर कर देते हैं। तो मेरे दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर हमें कमेंट करके बताइएगा। और मेरे दोस्तों, देखते रहें ZRFZ YouTube चैनल, क्योंकि मेरे भाइयों बहुत कुछ अभी बाकी है। तो खुदा हाफिज, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह व बरकातुहू।